अभी जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का दूसरा नाम है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चाहे आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बोला जाए या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बोला जाए, उन सब का मतलब एक ही है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का होता है, तो कंप्यूटर को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। आपका फर्स्ट पार्ट कहलाता है एप्लीकेशन के हिसाब से, और चौथा पर्पस, और तीसरा है आपका साइज के हिसाब से। एप्लीकेशन मतलब आपके जरूरत के हिसाब से, पर्पस मतलब आपके उद्देश्य के हिसाब से, और तीसरा है आपका साइज, साइज मतलब आकार के हिसाब से। अब ये साइज का भी दूसरा नाम है ना, उसको लार्ज या फिर स्मॉल के हिसाब से भी पूछा जा सकता है कि लार्ज कंप्यूटर बताइए, स्मॉल कंप्यूटर बताइए। तो उसका मतलब ये है क्लासिफिकेशन कौन से हिसाब से, आपके साइज के हिसाब से। अब वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका होता है एप्लीकेशन के हिसाब से। तो एप्लीकेशन के हिसाब से कंप्यूटर को अगेन तीन भागों में बांटा गया, पहले को एनालॉग, दूसरे को डिजिटल, और तीसरे को हाइब्रिड। अभी एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर आपके भौतिक इकाइयों पर आधारित है। ठीक है, अभी भौतिक इकाइयां क्या हो सकती है? ताप, दाब, ऊष्मा, गति, तापमान। ठीक है, ये सब चीजें, या फिर लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ये सब चीजें क्या है? आपके भौतिक इकाइयां, मतलब फिजिकल यूनिट। तो ये आपका एनालॉग कंप्यूटर है, वो आपके फिजिकल यूनिट पे आधारित है। अभी ये आपका एनालॉग कंप्यूटर का यूज कहां पे आता है? इसमें यूज आता है आपके रिसर्च के फील्ड में, चाहे आपको वेदर फोरकास्टिंग को देखें या फिर वेदर फोरकास्टिंग मौसम पर पूर्वानुमान। ठीक है, ये आपके एक परफेक्ट जगह है जहां पे कौन से यूज होता है? आपका एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है, जहां पे आपका सभी के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इन सब चीजों का होता है। और ये सब क्या भौतिक इकाई है, इन इकाइयों को मेजर करके ही हम मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका एनालॉग कंप्यूटर। अगला चीज होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो आजकल हम नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं, वो एग्जाम्पल है किसका? आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में एक खास बात है कि वो पूरा जीरो और वन पे आधारित है। किस पे? जीरो और वन पे आधारित है। अगर हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन देंगे, कुछ भी डेटा देंगे, कुछ भी ऑपरेशन देंगे, वो उसको समझेगा जीरो और वन के फॉर्म में, जीरो और वन के फॉर्म में। और उत्तर भी तो आंसर जीरो और वन के फॉर्म में देता है, लेकिन वो उसके लेवल पे होता है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है जो लैंग्वेज हम समझ पाए। ठीक है, तो वैसे काम करता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। ये मुख्यतः आधारित है किसपे? जीरो और वन पे। और ये एनालॉग की तुलना में डिजिटल कंप्यूटर सिंपल है चलाने में। ठीक है, और अगला चीज आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? उसमें डिजिटल कंप्यूटर का भी गुण पाया जाता है और एनालॉग कंप्यूटर का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, वह कंप्यूटर जिसमें आपका डिजिटल भी गुण पाया जाता है और एनालॉग का गुण भी पाया जाता है, वो कहलाती है आपकी क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा जगह जहाँ पे आपको जो यूनिट चाहिए, डिजिट चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, वो एकदम फिक्स्ड चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अब ये डिजिटल एनालॉग, जैसे हमारे पास घड़ी भी होता है, घड़ी भी होता है, एक तो होता है एनालॉग और डिजिटल, जो टिक 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 करके करके चलता है, वो है आपका एनालॉग का वॉच का एग्जांपल, और दूसरा है आपका डिजिटल, जिसमें एग्जैक्ट टाइम लिखा रहता है, इतना बज के इतना मिनट और इतना सेकंड, वो है क्या? डिजिटल। मतलब जहाँ पे हम लोग फिक्स्ड कैलकुलेशन चाहिए वहाँ पे डिजिटल लेंगे, जहाँ पे भौतिक या वेरिएशन वाला कैलकुलेशन चाहिए वहाँ पे हम लोग लेंगे एनालॉग कंप्यूटर। अगला कंप्यूटर देखते हैं पर्पस के हिसाब से क्लासिफाई। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, एक को जनरल पर्पस और दूसरे को स्पेशल पर्पस। अब जनरल पर्पस क्या हो सकती है? पर्पस मतलब हम अपने उद्देश्य के लिए, अगर हम अपने सामान्य कार्य के लिए किसी कंप्यूटर का उपयोग करें तो वो कहलाएगा हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर, और अगर हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अगर कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर का एग्जांपल देखिए, जब मेरे को अगर कुछ डॉक्यूमेंट करना है, मेरे को सिंपली इंटरनेट पर फॉर्म भरना है, गूगल में कुछ चीज का सर्चिंग करना है, या किसी चीज का रिकॉर्ड रखना है, फंडिंग करना है, तो वैसे सब क्या है? मेरे जनरल कार्य है, तो इन सब चीजों के लिए मैं जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज करूंगा। अब जनरल कंप्यूटर पर जनरल पर्पस कंप्यूटर की क्या विशेषता है? इसमें आपका कम साइज का मेमोरी होता है, कम साइज का रोम होता है, इसमें प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है, इससे आपके स्पेशल पर्पस। अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। हो सकता है चाहे आप उसको स्पेस में यूज करें, मिसाइल परीक्षण में यूज करें, या तो मौसम पूर्वानुमान में यूज करें, तो ऐसे सब टाइप के जो कंप्यूटर है वो है क्या? स्पेशल पर्पस। अब स्पेशल पर्पस में क्या खास बात होती है? इनकी रैम ज्यादा क्षमता की होती है, इनकी रोम ज्यादा क्षमता की होती है, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आने लगा? आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब अगला जो क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर, इसको बोलते हैं साइज के हिसाब से क्लासिफाई किया गया, और इसका और दूसरा नाम है लार्ज और स्मॉल। ठीक है, इसके अंदर आपका सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर।
जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। उसमें कम साइज का फोन रहता है, कम साइज का रैम रहता है, वो ज्यादा वेट नहीं रहता, उसको चलाने के लिए कम पावर की आवश्यकता होती है। और एक खास बात, ये आपका माइक्रो टाइप का कंप्यूटर है, उसको केवल और केवल एक यूजर यूज कर सकता है एक समय पे, उसको एक से ज्यादा यूजर यूज नहीं कर सकते। किसको? आपके माइक्रो कंप्यूटर, है ना। अब ये माइक्रो कंप्यूटर कौन सा स्मॉल कैटेगरी का कंप्यूटर है? अगर आगे बात करते हैं आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है? अब मिनी और माइक्रो में डिफरेंस देखा जाए तो जैसे माइक्रो कंप्यूटर को केवल और केवल एक आदमी यूज करता है, लेकिन आप मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक आदमी यूज कर सकते हैं। लगभग 5 से 6 आदमी एक मिनी कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। अब मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर है और बाकी उससे और कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है कंप्यूटर है। जैसे ये आपका मेन मिनी कंप्यूटर है और यहाँ से 2-3 कनेक्शन और मिला हुआ है अलग अलग कंप्यूटर। तो क्या होगा? अलग अलग कंप्यूटर में तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लेकिन वो किसके द्वारा नियंत्रण और स्टोर होगा? आपके यहाँ पे जो सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा क्या? आपका मिनी कंप्यूटर। मतलब मिनी कंप्यूटर में आप एक से अधिक लोग यूज कर सकते हैं। किसको? मिनी कंप्यूटर। अगला चीज आता है